हाय फ्रेंड, क्लास 8 की मैथ 1B निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। फर्स्ट, -4/5 प्लस -4/5 बराबर 8/5। हर हर समान है तो अंश अंश जुड़िएगा। -4/4 8 -5/5 सत्य। दूसरा, -6/60 प्लस 6/5 प्रमेय संख्या नहीं है, असत्य, क्योंकि है। दो प्रमेय संख्याओं का के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, सत्य। सत्य। तीन प्रमेय संख्याओं का योगफल प्रमेय संख्या नहीं होता है, होता है। दूसरा, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल प्रमेय संख्या है अथवा नहीं। हल, -3/4 प्लस 3, यहाँ 1 मान लेंगे। हर को बराबर करने के लिए 4 से इसमें गुणा करें। -3/4 प्लस 3 × 12, 4 × 4, 12 में से 3 गए 9/4 माई। वन प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 2/3, यहाँ 1 वाले बराबर करने के लिए 3 -2/3। हर हर समान है तो अंश अंश 3 - 3 - 2 बराबर माइनस माइनस जोड़ा जाएगा 3 × 2 = 5/3। परिमेय संख्या है। तीसरा, दो पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए, इसे सिद्ध करना है। इसके बराबर इतना ही क्रम में हुआ है। देखिए, -5/8 प्लस माइनस माइनस 9/13 बराबर -9/13 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5/8 8। इसको पहले हर को समान करने के लिए गुणा करेंगे, 13 × 5 = 65 -8 = 8 9 = 72 13 × 8 = 104 बराबर, इसको गुणा करेंगे 13 × 9 = 100 9 × 8 = 72 -72 -13/5 = 65 13 × 8 = 104 104 65 में से 72 जोड़ देंगे। माइनस माइनस पर जुड़ेगा 72, उसके 5 × 2 = 7 5 × 2 = 7 7 × 6 = 13 13 × 104 माइनस 5 × 2 = 7 7 × 6 = 13 104 LHS बराबर RHS। तीसरे का तीसरा सवाल देखिए, -4/7 प्लस 1/4 प्लस 1/-16 बराबर -4/7 प्लस 1/4 7/16 -16
को सत्यापित करना है। पहले LHS को हल करेंगे, पहले ब्रेकेट खोलेंगे, -4/7 + 1/4 ± −7/16। तो इसको गुणा करेंगे, 3 × 7 = 16 प्लस 7 × 7, उसके बाद 7 × 28 −7/16, उसके बाद ये 16 में से 7 गए, −9 चिन्ह बड़ा है, इसके बाद 28 −7/16, उसके बाद इसका 16 और 28 का लॉस आएगा 112। तो इसमें गुणा करेंगे 4 से 4 उसके बाद 7 से 7 बराबर करने के, चार 9 × 36 −7/49 बराबर 36 × 49 हो गया 9 × 6 = 15 −7 = 8 चिन्ह माइनस कराइए बढ़े 112। उसके बाद यस बराबर ब्रेकेट खोलेंगे, पहले 12 यहाँ एक मान लेंगे, 12 × 36 +1 से 7 में गुणा, 7 × 7 = 7 = 12 बराबर यहाँ एक मान लेंगे, 7 − 7 = 7 + 12 × 36 12 37 से 36 गए 36 में 7 = 9 = 7 = 16 ये अगर 2 29/12 बराबर 29/12 HS बराबर RHS। RHS हल कर रहे हैं, इसको हल करेंगे तो 4/7 ऐसे रहने देंगे, इसके बाद प्लस इसको गुणा करेंगे तो इसमें 4 से गुणा करेंगे इसमें भी 4 से, तो हो जाएगा 4 ± −, ये हो जाएगा 7, उसके बाद ये आ जाएगा 16। उसके बाद −4/7 प्लस इसको करेंगे तो −3/16, तो −4/7 ± −3/16, उसके बाद 3 × 6 = 16 × 64 −7 = 21 16 × 7 = 112 LHS बराबर RHS। यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हो तो और a प्लस बी बराबर −15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। जैसे 5 + 3 = 8 उसी प्रकार 3 + 5 = 8 तो इसमें आ जाएगा B + A = −15/11। निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, इसमें भरना है −5/1, उसके बाद यहाँ क्या है भरना है 5/6। छठवां सवाल सरल कीजिए, छठवां का पहला सवाल सरल कीजिए,
तीन बटे चार प्लस माइनस आठ बटे नौ, पहले ब्रेकेट खोलेंगे, तीन बटे चार प्लस माइनस माइनस आठ बटे नौ प्लस पाँच बटे आठ, चार नौ आठ का लासा होगा बहत्तर, बहत्तर इसमें इसमें होगा अट्ठारह से गुणा, इसमें होगा अट्ठारह सौ बहत्तर, नौ अठ बहत्तर, आठ नौ बहत्तर, इसमें नौ से गुणा होगा, इसमें आठ से, इसमें अट्ठारह से, अट्ठारह चौवन माइनस अठारह चौंसठ प्लस पानवा पैंतालीस, पहले चौंसठ को पैंतालीस में घटाएंगे, आएगा चौवन माइनस चौवन माइनस आएगा उन्नीस बटे बहत्तर, तो उन्नीस में से चौवन घटाएंगे आएगा पैंतीस बटे बहत्तर, ये आ गया आंसर। सातवां, निम्नांकित के को योग की संक्रिया के परिगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। हल प्रमेय संख्या का योग है